मैं कुणाल कुमार विलियर अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि जो गाड़ी की जो एसी है, उसकी जो एसी फिल्टर है, उसको हम पहले हम साफ़ कर लेते हैं कि जो उसकी एसी फिल्टर है, मतलब कि साफ़ किए हुए लगभग मेरे अंदाज से लगभग 2 या 3 महीना तो हो ही चुका होगा। तो आज उसको साफ़ करेंगे, देखेंगे पहले एसी की जो मतलब कि जो एसी है, इसकी जो ठंडापन, जो कूलिंग है वो, और उसको साफ़ करने के बाद कितनी कूलिंग जो बढ़ रही है, तो इसके बाद हम अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में मेरा एक और चैनल है, टेक चैनल, जो टेक्निकल से रिलेटेड है, जो कि अगर आप चाहें तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस, चलिए सबसे पहले जो है, पहले हम जो ये एसी है, पहले हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट हम कर लेते हैं। तो गाइस, पहले हम गाड़ी स्टार्ट कर लिए, उसके बाद जो एसी है उसको हम ऑन कर लेते हैं। और जो एसी है वो चालू हो चुका है, जो इसकी कूलिंग है पहले हम वो देख लेते हैं कि इसकी क्या कूलिंग है और कैसे जो है इसकी कूलिंग हो पा रही है। तो पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि जो एसी फिल्टर है उसको साफ़ करेंगे, उसके बाद जो है इसकी कूलिंग देखेंगे। चलिए पहले हम उसको इसकी जो कूलिंग है वो देख लेते हैं। लगभग 2-3 मिनट तो हो ही गए इसको स्टार्ट किए हुए। तो चलिए सबसे पहले हम गाड़ी को, पहले एसी को ऑफ कर लेते हैं। तो एसी ऑफ करने के बाद हम गाड़ी को ऑफ कर लेते हैं, यानी कि गाड़ी बंद कर लेते हैं। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ की जो एसी फिल्टर है पहले उसको हम साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए इसको निकाल के हम आपको बताते हैं कि कितने में क्या है नहीं है, वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि इसको हमने अब खोल लिया। चलिए इसमें से जो है उसको अब निकालते हैं, देखते हैं कि क्या कचरा है इसमें और नहीं है। तो पहले इसको देख सकते हैं, रहा इसकी एसी फिल्टर, तो पहले इसको हम निकाल लेते हैं। तो गाइस, ये अभी देख सकते हैं कि इसको हम निकाल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि इसमें जो है कितने कचरे भरे हुए हैं, तो आप जैसे कि देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको हम साफ़ कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या जो है, बहुत सारे जो है कचरे भरे हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं बहुत ही, लगभग 2-2.5 महीने हो चुके हैं इसको साफ़ किए हुए। तो पहले हम इसको साफ़ कर लेते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं इसको हमने थोड़ा बहुत जो है साफ़ कर लिया है। तो बता दें कि ये जो है, अब समझिए कि इसकी जो है चेंज होने की समय हो चुका है, लेकिन अभी इसको हम चेंज कर नहीं रहे हैं, अब इसी से जिसके काम है वो चला रहे हैं। तो चलिए अब इसको हम लगा देते हैं। तो इसको लगा देते हैं, फिर जो इसकी एसी है पहले हम उसको चेक कर लेते हैं। इसके अंदर तो हमने लगा दिया, अब चलते हैं इसकी जो मतलब कि ये कैबिन है वो लगा देते हैं। इसको हमने अब पूरा कम्प्लीट ही लगा दिया। तो चलिए अब जो इसकी एसी है पहले अब उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो अब जो इसकी एसी है उसको हम ऑन कर लेते हैं। हाँ, तो अभी फ़िलहाल गर्मी बहुत है। तो गाइस, यहाँ एसी ऑन करने के बाद ठंडी ठंडी हवा जो है वो आने लगी। तो बता दें कि वो साफ़ करने के बाद जो इसकी कूलिंग की बात कर ले, कूलिंग जो है कुछ ज़्यादा तो फ़र्क आ नहीं रहा, लेकिन थोड़ा बहुत जो है फ़र्क वो दिख रहा है, और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है आज तो। लेकिन तभी भी उसको अगर फ़र्क रहे या ना रहे, उसको साफ़ करना ज़रूरी होता है, और फ़र्क होता ही होता है, क्योंकि उसमें थोड़ी कचरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा दिक्कत जो है होने लगता है। तो गाइज, उसको जो है मतलब कि साफ़ करते रहना चाहिए। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। तो चलते चलते हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेक्निकल चैनल है, जाकर उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।